हम आ चुके हैं भरद्वाज आश्रम पार्क में, जो कि इलाहाबाद में है। तो चलिए फ्रेंड्स आपसे घुमाते हैं पार्क कैसे, चलिए फिर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एंट्री करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने देखिए, ये भरद्वाज आश्रम का ये मेन गेट है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम टिकट लेते हैं। तो ये टिकट घर है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये 10 रुपये की टिकट है, पर पर्सन 10 रुपये। और हमारी एंट्री हो चुकी है फ्रेंड्स। और चलते हैं और आप सभी फ्रेंड्स देख लेते हैं भरद्वाज जी की ये सबसे बढ़िया, देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया आकृति बनाएगी, बहुत ही भव्य मूर्ति बनाएगी। देखिए फ्रेंड्स आप सभी दर्शन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अंदर एंट्री करते हो। ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया यहाँ पर झरना है। और इधर पेयजल है फ्रेंड्स, इधर आप जाएंगे तो इधर आपको पानी की व्यवस्था पूरी मिलेगी। आप गर्मी में आए हैं तो आपको पानी की प्यास जरूर लगेगी, आप यहाँ जाकर पानी पी सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया यहाँ पर हरियाली, देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया हरियाली इस पार्क के अंदर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आएंगे आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, एक शांत वातावरण और हरियाली बहुत अच्छी है फ्रेंड्स यहाँ की, आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स। वही देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे और पार्क के अंदर एंट्री कर जाएंगे आप। वही देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये जो लाइटें लगी है फ्रेंड्स, आपको हम ये बता दें शाम को बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। शाम को यहाँ पर देखेंगे आप, शाम के टाइम इवनिंग टाइम में बहुत ही अच्छा लगता है, ये लाइटें आपको बहुत ही अच्छी दिखेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर महर्षि भरद्वाज के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइम अभी हम दिन में आ रखे हैं, ये झरना नहीं चल रहा है, लेकिन शाम में ये सारे झरने चलते हैं। जितने भी झरने आपको दिखाई दे सारे झरने चलते हैं, वो बहुत बढ़िया लाइटिंग इसमें लगी होती, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा लगता है। आपको हम यही राय देंगे कि आप जब भी आए शाम को आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कैसा है पार्क। वैसे तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये दीवारों के ऊपर, देखिए वॉल के ऊपर क्या बढ़िया यहाँ पर डिजाइन किया गया है। यहाँ पर काफ़ी मतलब महर्षि जी की यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया है बनाएगा। आगे चलते देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स ऐसा कि मानो बिल्कुल सामने बैठे साक्षात यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं आप। देखिए आप बढ़िया बनाया गया है यहाँ पर, ऐसा उभरता हुआ बिल्कुल दीवारों के साथ ही टच है, और ऐसा लग रहा है जैसे उभरता हुआ जैसे बाहर आ रही है। देखिए क्या बढ़िया बनाया गया है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स। आप यहाँ आए आपको बहुत अच्छा लगेगा, देख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए राम भगवान, लक्ष्मण भगवान और सीता माँ साथ में, देखिए महर्षि जी यहाँ पर ज्ञान देते हुए, आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर वातावरण, यहाँ का बहुत बढ़िया है। ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया यहाँ पर चित्रकारी की गई, देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी आपको चीज़ें दिख रही है ऐसा लगे भरती हुई है, बिल्कुल ऐसा लगे बिल्कुल सामने आप मतलब देखेंगे आपको बहुत बढ़िया लगेगा फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है ये। और ये क्या फ्रेंड्स, सावन के महीने में वाह साक्षात महाकाल के दर्शन हो गए, वाह फ्रेंड्स क्या बढ़िया पार्क है, महाकाल जी भी यहाँ पर, शिव भगवान भी यहाँ पर, वाह बहुत बढ़िया। तो आप सभी फ्रेंड्स दर्शन कर सकते हैं भगवान के यहाँ पर। इस पार्क में आने का फ्रेंड्स एक फायदा तो हो गया, यहाँ पर शिव भगवान के भी दर्शन हो गए, सावन का महीना चल रहा है यहाँ पर शिव भगवान के भी दर्शन हो गए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया यहाँ पर चित्रकारी की गई है दीवारों के ऊपर, देखिए फ्रेंड्स अनेकों प्रकार के यहाँ पर जानवर बनाए गए हैं, देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया एनिमल बनाए गए यहाँ पर। इस पार्क में हरियाली तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया रास्ता बनाया गया है यहाँ पर, हरियाली देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर पानी निकल रहा है। और देखिए फ्रेंड्स इस पेड़ के, इस पौधे की देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया कटिंग की गई है, वाह बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर एक बार जरूर आए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया एक तरीके से लाइन वाइन लगाए गए हैं पौधे को, ये देखिए फ्रेंड्स कटिंग देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया कटिंग की गई है, पूरा बढ़िया व्यवस्था की गई इस पार्क में, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स। आप आएंगे यहाँ आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बहुत ही अच्छी जगह। ये देखिए फ्रेंड्स ये योग स्थल, यहाँ पर आप मॉर्निंग में आइए योगा करिए। ये देखिए फ्रेंड्स सामने बैठने की पूरी व्यवस्था बनाई गई, और आप अगर अपने बच्चों के साथ आना चाहते हैं यहाँ फैमिली के साथ आइए, आपके बच्चे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स झूले की पूरी व्यवस्था है, पूरे मतलब बहुत बढ़िया पार्क है फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं आप झूले की पूरी व्यवस्था है। बच्चे ये देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर खेलते हुए झूले पर, ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया यहाँ पर बच्चे मतलब पूरा आनंद लेते हुए झूले का, वाह ये है पार्क। इस पार्क के अंदर बहुत ही बढ़िया हरियाली, झूले की भी पूरी व्यवस्था की गई, आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पर आपके बच्चे आएंगे बिल्कुल बोर नहीं होंगे, यहाँ पर अनेकों प्रकार के झूले हैं। और आपको फ्रेंड्स हम ये बता दें ये एक फैमिली पार्क है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कपल्स भी आते हैं, एक प्रकार से कपल और फैमिली पार्क दोनों हैं। यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ आएंगे तो यहाँ पर झूले की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर झूले झूल सकते हैं आपके बच्चे। और इवनिंग में आपको हम ये बता दें इवनिंग में आप आइए, इवनिंग में आपको बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। काफ़ी बढ़िया पार्क है फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी मतलब हरियाली है। और आपको हम ये बता दें अगर आप इलाहाबाद में आएंगे तो आपको अनेकों प्रकार की जगह घूमने की मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज तो हमने काफी घूम लिया, अब चलते हैं। आज की हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें।